नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू जायसवाल के साथ मैं मौजूद हूँ रीवा के विवेकानंद पार्क में। विवेकानंद पार्क में यहाँ पर आज कुछ किसान भी मौजूद हैं। किसान क्यों मौजूद हैं, इसका एक सीधी सादी बात है। पूरा देश जिस बात को लेकर आज परेशान है, उसी बात की चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, यहाँ अपना धरना छोड़कर आज यहाँ पर क्यों। हालांकि मैं आपको बता दूं, लगभग 180 दिन से ज़्यादा आज धरने के हो चुके हैं। दिल्ली में जिस तरीके से किसान वहाँ पर मौजूद है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, तो ये तमाम वो जगह जहाँ पर किसान लगातार मौजूद था, उसी के चलते रीवा में भी तमाम किसान मौजूद थे। यहाँ पर क्यों, ये जब से सरकार आई है इसको 50,000 रुपये में डीजल मिला था और 7 साल अभी हुआ है जो कि 100 को पार हो गया। जनता में त्राह मची हुई है। रेलवे बेच दिया, स्कूल बेच दिया, हॉस्पिटल बेच दिया, किसान की जमीन खेल लिया, तो अब किसान हर जगह धरना दे रहे हैं और महंगाई हर जगह धरना दे रहा है। आखिर किसान जाए तो जाए कहाँ, बताइए। ये संयुक्त मोर्चा पूरे देश में महंगाई के खिलाफ आज धरना दे रहा है। महंगाई के खिलाफ इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं हुई भाजपा की सरकार में, जब से सरकार बनी। किसान मजदूर सब त्रस्त है और पेट्रोल डीजल इतना महंगा कभी नहीं हुआ जो भाजपा। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही, इनका साफ तौर से कहना ऐसी महंगाई कभी भी नहीं रही। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि सरकार के सत्ता में बैठे लोग अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। महंगाई आज जिस मुद्दे को समाप्त करने के लिए, महंगाई समाप्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार आई थी, आज उल्टा कर रही है। रोजगार भी समाप्त कर रही है, महंगाई भी बढ़ा रही है। हम सरकार को पुनः धरने के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि आपको महंगाई पर कंट्रोल करना होगा या गद्दी छोड़ना होगा। महंगाई में इनका ब्रेक फेल हो गया, बगैर ब्रेक की गाड़ी हो गई इनकी, बगैर ब्रेक की गाड़ी हो गई। बताइए, महंगाई जो है इन लोगों ने देश के चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरे देश के गरीब और किसानों को की कमर तोड़ने के लिए इन लोगों ने महंगाई लेके आए हैं। ये आरएसएस समर्थित ये सरकार बीजेपी की उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीपरस्त नीतियों से समझौता करके, पूंजीपतियों के साथ समझौता करके आम जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग सड़क पर। आम जनता डीजल 110 रुपये हो गया है, किसानों को सब्सिडी वाला डीजल चाहिए। किसानों को सब्सिडी वाला डीजल चाहिए, एक महत्वपूर्ण बात। जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल 100 के पार है। डीजल के 100 पार होने का सीधा सा मतलब है किसान जिस खेत में काम करता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है डीजल। डीजल के बगैर ट्रैक्टर नहीं चल सकता, ट्रैक्टर के बगैर जुताई नहीं होगी, अगर जुताई नहीं होगी तो खेत में अन्न नहीं होगा। तमाम बातों को लेकर आज यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा धरने पर है। हमारे साथ शिव सिंह भी मौजूद हैं जो इस पूरे उसके किसानों के संयोजक हैं। हम उनसे भी जानेंगे, समझेंगे आखिर क्यों। देखिए, जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई मोदी राज में हुई है, आज पूरे देश का आवाम पीड़ित एवं प्रताड़ित है। बसों का किराया बढ़ गया, रेल का बढ़ गया, पानी बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल बढ़ गया, रसोई गैस बढ़ गई। मैंने इस पर जो हमारा रसोई है उस पर सरकार ने हमला किया है, तो इसको लेकर के आज राष्ट्रव्यापी संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था प्रदर्शन करने का। पूरे देश में किसान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और किसान मांग कर रहा है कि महंगाई तत्काल सरकार वापस ले और किसान बिल वापस ले, नहीं तो इस देश का किसान मजदूर आवाम इस सरकार को नेस्तानाबूद करने का काम करेगा। सरकार तत्काल महंगाई पर काबू करने के उपाय खोजे जिससे महंगाई में कंट्रोल हो सके। डीजल पेट्रोल के दाम घटने से अपने आप बहुत सारी चीज़ों के दाम अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। उसका सीधी सी वजह है, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रक हो, यातायात का साधन अगर डीजल है तो वो घटेगा। उसकी वजह से यातायात, जो भी सामान इधर से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लाने ले जाने में कम व्यय होगा, अपने आप महंगाई घटेगी। तमाम बातें हैं। किसानों का ये कहना है कि अगर
सरकार महंगाई में कंट्रोल नहीं करेगी तो हम सरकार ही बदल देंगे। अब कुछ बात इस तरीके से या कहें इस मुकाम पर आ चुकी है, किसान हर हालत में ये चाहता है देश में महंगाई पर ये सरकार विराम लगाए। अब देखना है सरकार क्या उपाय अपनाती है जिससे महंगाई में कंट्रोल हो। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज मोदी सरकार के लगभग 7 साल होने आए, 7 साल पहले की अगर बात की जाए तो केंद्र की सरकार 114 रुपये में डीजल पेट्रोल खरीदती थी, पेट्रोलियम खरीदती थी और 71 रुपये में बेचती थी। आज वही उल्टा है, 71 रुपये में खरीदते हैं, 114 रुपये में बेचते हैं। एक बड़ा अंतर। दूसरा बड़ा अंतर मैं अपने दर्शकों को फिर से बताऊं, सरकार रोज रेट के दाम अप डाउन करती, रोज घटाती बढ़ाती है। आम आदमी केवल उससे ये जानना चाहता है क्या आप बाल्टी लेके रोज डीजल पेट्रोल खरीदने जाते हो? जब डीजल पेट्रोल के दाम 15 दिन में आप सरकार जिस जहाँ से भी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदती है तो 15 दिन में क्यों नहीं घटाती बढ़ाती? ये रोज घटाने बढ़ाने का क्या मतलब है? इसको भी आम आदमी को बताना चाहिए।